इस वक्त हम गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में हैं। जंगीपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो 2012 में नई नवेली दुल्हन की तरह बनी, 2022 के चुनाव में इस विधानसभा सीट से बसपा ने भी एक कद्दावर नेता को चुनावी रण में उतार दिया है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। डॉक्टर साहब, जंगीपुर विधानसभा कहा जाता है कि 2012 से बनी है और एक ही परिवार का कब्जा रहा है, क्या लगता है कि इस बार उस कब्जे को आप कैसे तोड़ पाएंगे? इस बार कब्जा मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, जनता तोड़ रही। जनता बहुत प्रताड़ित है इसमें, वहाँ पे विकास नाम का कोई ऐसा कुछ चीज दिखता नहीं। वहाँ पे जनता का बदलाव है, मूड उनका बदलाव का इसमें, और जनता ही इसमें आगे चल रही है, हम लोग तो पीछे चल रहे हैं इसमें। ऐसे में आप विधानसभा में लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है जब आप क्षेत्र में जा रहे हो तो क्या कमियां मिल रही हैं जो कि एक विधायक होने के नाते उस पूर्व के विधायक को कराना चाहिए था? देखिए, हम नेता चुनते क्यों? अपनी जन समस्या को समाधान करने के लिए। सबको नाली चाहिए, रोड चाहिए, खड़ंजा चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये बिल्कुल नदारत है वहाँ पे। वहाँ कोई रोड नहीं पड़े जाएंगे विधानसभा में, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ रोड का है। और किसी भी देश का, किसी भी शहर का पैमाना अगर विकास का माना जाए तो सबसे पहले रोड को देखा जाता है। किसी अच्छे शहर में जाएंगे तो रोड अच्छे, तो बोलते हैं शहर विकसित है, पर उसी सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे रोड का इसमें, और जनता उसे परेशान है इस समय। ऐसे में हम वहाँ के जो न्यू वर्तमान विधायक हैं वीरेंद्र जी, उनसे जब बात होती है वहाँ के विकास को लेकर, तो उनका यह कहना था कि विपक्ष में होने के नाते हमें विकास करने नहीं दिया गया या हमारे पास उतनी बजट नहीं थी विकास, तो क्या लगता है कि विधायक होने के नाते उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए था? मैं अगर उनको लगता है विपक्ष नाते उनको काम करने दे गए तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, भाजपा विधायक बना देना चाहिए था वहाँ पे। अगर उनको लगता था तो हम विधायक बनते हैं जनता की सेवा करने के लिए, जनता में विकास करने के लिए, और अगर उनको विपक्ष में काम नहीं कर पा रहे थे तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब मैं ही जानता हूँ, ठीक चले मान लीजिए भाजपा ने उनको काम नहीं करने 2022 तक, 2012 से 2017 तक उनके पिताजी यहाँ कैबिनेट मंत्री थे और नेताओं में थे, माता जी को थे खुद चेयरमैन थे क्षेत्र से, तो उस समय कहा गया विपक्ष उसमें तो सत्ता में थे, वो सत्ता में रखा आप काम नहीं किया, तो आज कैसा रोना आ रहा है कि आप विपक्ष में बैठे हुए। विधायक कहीं का भी, हमारे उपा सरकार से दसौड़ा में विधायक है 2022 तक, वो तो कभी सत्ता में नहीं रहे, जब से आए तो विपक्ष में बैठे, तो वहाँ कैसे काम हो रहा है? ऐसे बहुत चर्चित नाम है जो अपने क्षेत्र में विपक्ष में रह के काम करते हैं। काम करने का तरीका होता है, और उसमें तरीका में वो बिल्कुल उसमें है नहीं। वो जातिवाद के नाम पर वोट चुनाव लड़ते हैं, जाति नाम के वो चुनाव जीते हैं, पर इस बार वो कमंड उनका छूट हो जाएगा। इस बार आप चुनाव, आप भी चुनावी मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? नाली रोड खड़क सड़ंजा पानी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार। अगर बात किया जाए तो वर्तमान जो मौजूदा सरकार है भाजपा, तो लोग इस भाजपा सरकार में चाहे वो किसी भी विधानसभा की बात हो करें तो लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात युवा कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि आपकी जंगीपुर की जनता आपको विधायक बना देती है तो अगला आपका मोटिव क्या रहेगा क्षेत्र में काम करने को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि ये गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ बच्चा पढ़ता है, बीए बीएससी करता है, एमबीए करता है, और आज वो चपरासी की नौकरी के लिए, सफाई कर्मचारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये बेशर्म की बात है कि अपने देश में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लड़के नौजवान हैं जो पढ़ने के बाद दर दर भटक रहे हैं। तो रोजगार महंगाई का मुद्दा जरूर है, इसमें काम करने के लिए जैसे होता है कि चाइना बेस्ड मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ विलेजेस, मतलब गाँव में ही इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि एक तो पलायन रुकेगा, इसमें महंगाई पर काबू आएगा और लोकल लेवल रोजगार मिलेगा, तो लोग खर्चे बचेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को गांव-गांव तक पहुँचाने के, छोटे छोटे रोजगार या इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर यहाँ लाने का काम किया जाएगा, ताकि रोजगारी और महंगाई दोनों कंट्रोल हो सके। ऐसे में जो 2022 का चुनाव चल रहा है जंगीपुर विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आ गए, खुद अब बसपा से हैं, और भाजपा के प्रत्याशी का भी घोषणा हो चुका है, और लड़ाई अगर देखा जाए तो हर जगह जो है जात को लेकर लोग ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे में इस बार जो अपने जो मुकाबला किससे मानते हैं? मैं मुकाबला किससे नहीं मानता हूँ, मैं वो रेस का घोड़ा से भी आगे देखता हूँ, मुझे अगर मेरा मकसद है वहाँ चुनाव जीतना है, दाएं बाएं कौन आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ चल रही, मैं चारों तरफ जैसे बुलेट प्रूफ होता है, जनता आगे पीछे दाएं पीछे चल रही, लड़ाई जनता को लड़ना है, मैं तो एक जरिया बस फेस हूँ उसका, तो मैं किसी से लड़ाई नहीं मानता। जनता वहाँ बदलाव चाहती है, जनता को लगता है डॉक्टर मुकेश यहाँ बदलाव ला सकते हैं, तो जो भरपूर समर्थन जनता से मिल रहा है, और मुझे मैं दिख रहा हूँ, मुझे गांव गांव जाता हूँ तो लोगों में एक चर्चा बनी हुई है, छठी चरण चर्चा बनी है कि यहाँ पे इस बार डॉक्टर मुकेश चुनाव जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि लड़ाई मैं किसी नहीं मानता, जनता साथ जिसके साथ रहती है वही चुनाव जीतता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जैसे आप बसपा में आने से पहले, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं गिने जाते थे,
लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले आपने इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे आखिर इस तरह की नौबत क्यों है? क्योंकि जो एक बड़ा नेता होता है पार्टी के हर कार्यक्रमों में आप साथ साथ रहा करते हैं, हर तरह का मैनेज भी किया करते थे, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आई कि आपको भाजपा से इस्तीफा देना पड़ता है? अभी जो टिकट वितरण भाजपा हुआ उसको देख के तो अंदाजा लग गया कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया है। मुझे पता था मुझे भाजपा कोई तवज्जो देने वाले नहीं है, लोकल भाजपा, मेरी लड़ाई यहाँ लोकल लोगों से, ऊपर लोगों से नहीं थी। यहाँ लोकल जो यहाँ मठाधीश थे, पदाधिकारी थे, ये कभी अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं चाहते। और हर व्यक्ति का स्वार्थ होता है राजनीति में, चाहे मेरा हो चाहे किसी का। बच्चा पैदा होता है तो स्वार्थ रहता है, माँ बेटे का स्वार्थ होता है, पति का अपने पत्नी स्वार्थ होता है, समाज का नेता स्वार्थ होता है। मेरा भी स्वार्थ था कि समाज में कुछ करूँ, जनता को जाऊँ, राजनीति करने का एक इच्छा था। और राजनीति में सिर्फ ठोकर खा कर नहीं कर सकता था, बार बार वहाँ टिकट का पेशकश करके फिर काट देना, फिर बोलना भरोसे देना, तो मुझे लगा कि नहीं ये गलत ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह रहूँगा तो मेरी उम्र बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा है कि लोग भूल जाएंगे मैं कौन हूँ। अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए, समाज को में कुछ काम करने के लिए मुझे एक मौका मिला, बचपन में मौका दिया, तो मैंने मौका ले लिया। और आज टिकट जो वितरण हुआ उसको देख सकते हैं, टिकट वितरण में किसका हाथ कैसे है, तो मैं जानता था कि मैं रहता भी तो मुझे आज टिकट नहीं मिलता। ऐसे मगर हम बात करें तो जो आपका राजनीतिक परिवेश और आपके परिवार को लेकर बहुत सारी लोग बातें कर रहे हैं, जैसे में सपना सिंह जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा से है, उसमें आपने बहुत मेहनत के बना। उसके बाद चंचल जी हैं, वो भी आपके सिदार हैं। तो लोगों का ये बना हुआ है कि जब घर के अंदर ही भाजपा के लोग हैं तो कैसे ये बसपा से हो पाएंगे, तो ये लोग खुद इनका साथ नहीं देंगे, तो इसको लेकर क्या? देखिए जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिवार के अंदर कौन क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता ने ठाना हुआ कि मुझे डॉक्टर मुकेश को यहाँ चुनाव जिताना है, और ये बात मेरे परिवार के लोगों की जो भाजपा में है वो जहाँ है वो सही है, उनकी अपनी सोच है भाजपा से, मेरी अपनी सोच है भाजपा से थी। मैं वहाँ जम नहीं पाया, मुझे वहाँ मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले भाजपा में गया था और मैं ही लाने वाला, इन लोगों को भाजपा में लाने वाला मैं ही व्यक्ति था। तो मेरा कर्तव्य था जब तक पार्टी में रहूँ निष्ठा से रहूँ, और मैं चाहता हूँ जब तक वो पार्टी में निष्ठा से रहे, क्योंकि पार्टी ने उनको एक पद दिया, महत्वपूर्ण पद बैठाया हुआ है, तो उसके निष्ठा से पालन करें। मैं जहाँ पे हूँ मैं अपने जगह पर सही हूँ। और एक बात परिवार की बात, आज तो हर परिवार में चार पार्टियाँ पांच पार्टियाँ हैं, पहला परिवार थोड़ी है जहाँ पे सिर्फ दो पार्टी है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में भाजपा के बहुत बड़े नेता ऐसे हैं, जहाँ दूसरे दूसरे पार्टियों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी, ये सब ऐसे नाम है जो अलग अलग पार्टियों में है। तो मैं अकेला कोई अजूबा थोड़ी हूँ, कोई चर्चा की बात नहीं है, लोग जानते हैं कि जहाँ सम्मान वहाँ आपको राह मिल जाता है। डॉक्टर साहब अंतिम सवाल है, जंगीपुर विधानसभा जहाँ 2012 से लेकर अब तक एक परिवार, एक पार्टी और एक बिरादरी का कब्जा रहा है, ऐसे में यादव पर आप सिंह परिवार से आते हैं क्या और इसका और दूसरी अगर बात करें तो बसपा वहां पर जो है 2012 से लगातार जो है फाइट करती रहती है, तो इस बार क्या लगता है सिर्फ फाइट करेगी या फिर विजयश्री का माला पहनकर विधानसभा ही पहुंचेंगे? नहीं, फाइट करने का सवाल ही नहीं है, हम तो चुनाव जीत रहे हैं, बड़े अच्छे मंत्रों जीतेंगे। मैंने बोला मेरे साथ कोई एक जात नहीं है, सर्व समाज है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे किसी जात का, वो मेरे साथ चल रहा है। और मुझे पता है जब सर्व जब समाज चलता है साथ में, उसमें यादव भी है, ऐसा नहीं कि यादव सिर्फ एक पार्टी के प्रति उनका वफादारी है, नहीं। अगर काम करेंगे, अगर नेता ने काम किया होता अपने समाज के लिए, तो आज यादव बिखरा नहीं था। आज यादव बिखरा हुआ है, वो जान रहे कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया हुआ है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस समाज में, यादव समाज में, वो जानते हैं कि अगर हमको मरना है तो उसको वोट देना है, अगर हमको जीना है तो हमको बदलाव करना पड़ेगा। तो हम मुझे लगता है कि आज सर्व समाज मेरे साथ और बड़ी मात्रा में हिंदू हो चाहे मुसलमान, बड़ी मात्रा में साथ जुड़ रहे हैं। वो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, मैंने मेरी मेहनत का और जनता का समर्थन जो चल रहा है उसमें आपको पूरा अंदाजा दिख जाएगा कि मैंने क्या किया और समाज ने मुझे क्या दिया है। तो ये थे हमारे साथ बसपा के नेता डॉक्टर मुकेश सिंह, जो जंगीपुर विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं और लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो पूर्व के विधायक थे अपने विधानसभा में उन 5 सालों में कोई कार्य नहीं कराया, जिसका लाभ जो है वहाँ की जनता इनको देने वाली है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।